नो डाउट काइनमास्टर स्मार्टफोन के लिए सबसे बेस्ट वीडियो एडिटर है, लेकिन जो आज आपके लिए तीन ऐप लेकर आए ये भी काइनमास्टर कॉर्पोरेशन के, तो इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आइए, जो सारे ऐप है ना काइनमास्टर के साथ कंपेटेबल है। कहने का क्या मतलब है कि अगर आप इसमें कुछ भी एडिट करते हो, अगर आप नॉर्मली सेव करना चाहते हो सेव कर लीजिए, लेकिन अगर आप यहीं से काइनमास्टर के टाइमलाइन पे शेयर कराना चाहते हो, आखिरकार माँ बाप कौन है काइनमास्टर, तो आप काइनमास्टर में शेयर करा सकते हो आगे की एडिटिंग पापा देखेंगे। और जो वीडियो अंत तक देखेगा उसके लिए एक एक्स्ट्रा एप्लीकेशन, तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले ऐप की बात करते हैं, इसका नाम है बीट सिंक। इस ऐप की सहायता से आप नॉर्मली अपने फोटो को बहुत अच्छे तरीके से एनिमेट कर सकते हो, कुछ बहुत अच्छे ग्राफिक लगा सकते हो। जैसा कि इसका नाम है बीट सिंक, तो आपके जो म्यूजिक के बीट है उसी के हिसाब से इसके ग्राफिक वर्क करते हैं। इस ऐप में आपको बहुत सारे टेम्पलेट देखने को मिल जाते हैं, मतलब जैसे आप स्क्रॉल कर करके देख सकते हो, बहुत सारे आपको देखने को मिल जाते हैं जो भी आप अच्छा लगता है। जैसे कि कुछ दिन पहले कॉल में डीजे वाला प्रचलन चला था, तो वो इसी में आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप स्क्रॉल करो नीचे कॉल में डीजे का ऑप्शन मिलेगा, अगर आपको कोई भी क्रिएट करना है जैसे लाइक कॉल में डीजे, तो नीचे प्लस वाला ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे उस पर टैप करेंगे तो आप मीडिया सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब इमेज, तो जैसे आप मीडिया सेलेक्ट करके ऊपर से नेक्स्ट करेंगे तो बूम, ये आपका पूरा इफेक्ट आपके इमेज पे लगकर तैयार हो गया। अब रेडी टू यूज, मतलब डाउनलोड, मतलब सेव कर सकते हो। लेकिन उसके पहले यहाँ पर बहुत सारे और ऑप्शन देखने को मिल जाए, जैसे यहाँ से आप अपना मतलब कोई अलग से म्यूजिक ऐड कर सकते हो, लेकिन रुको अलग से ऐड करते हो तो यहाँ पर आपका जो बीट सिंक जिसका नाम है जिसलिए ये जाना जाता है वो काम नहीं करता, मतलब आपका जो अलग से म्यूजिक लेते हैं उसके बीट के हिसाब से ये इसका इफेक्ट काम नहीं करता। लेकिन हाँ, नीचे भी आपको बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं, टेम्पलेट देखने को मिल जाते हैं सिंपल सा, आप उसमें भी देख सकते हो कि, लेकिन उसमें जो म्यूजिक रहेंगे वो सारे आपके बीट के हिसाब से, मतलब म्यूजिक के बीट के हिसाब से आपके सारे इफेक्ट काम करें। और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन मिल जाता है, आप एस्पेक्ट रेशियो चेंज कर सकते हो, 16 एस्पेक्ट रेशियो, 9 एस्पेक्ट रेशियो, 16 या 1 एस्पेक्ट रेशियो 1, इसमें सारे कवर हो जाएंगे सोशल मीडिया। और नॉर्मली यहाँ नीचे आपको पापा के पैरों का निशान मिल जाएगा, तो आप यहाँ से मतलब पापा के पास जा सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मली यही सेव करना चाहते हो तो ऊपर देखिए सेव का ऑप्शन होगा, जैसे आप उस पर टैप करेंगे तो आप हाई क्वालिटी में इस वीडियो को सेव कर सकते हो। और कोई भी शॉर्ट प्लेटफॉर्म होते हैं इस तरीके की वीडियो, आप जानते हो कहाँ कहाँ अपलोड करे जाते हैं, या फिर आप इंट्रो इंट्रो टाइप का कुछ भी बना सकते हो। और लाइक पापा के चरण है यहाँ पे, तो यहाँ पर टैप करके आप काइनमास्टर में जा सकते हो और वहाँ पर आप और भी कुछ टेक्स्ट टाइटल, कुछ भी लोगों को ऐड करना है या फिर और एडिटिंग करनी है, वो आप नॉर्मली जैसे करते हो काइनमास्टर में वैसे कर सकते हो। इस ऐप की सहायता से जो भी आप इफेक्ट अगर आप काइनमास्टर में मतलब भेजते हो, तो जो भी आपको डाउनलोड करने को बोलेगा वो इफेक्ट, तो जैसे आप उसको डाउनलोड कर लेते हो तो काइनमास्टर में ट्रांसफर हो जाते हो। और जब अगली बार आप नॉर्मली भी काइनमास्टर में कोई अपना वीडियो एडिट करते हो, तो बीट सिंक वाले जितने भी आपने ट्रांसफर किया वो सारे आपको क्लिप ग्राफिक में देखने को मिल जाते हैं, फिर आप नॉर्मली अपने वीडियो में भी ये सारे इफेक्ट यूज कर सकते हो। दूसरे एप्लीकेशन की बात करें तो उसका नाम है स्पीड रैम। जैसा कि आप देख रहे हो इसका नाम से आप समझ सकते हो कि आप अपने वीडियो में उतार चढ़ाव, मतलब स्पीड ज़्यादा कर सकते हो कम कर सकते हो। इसकी खास बात है कि आप इस ऐप की सहायता से 8x तक स्पीड और 1x तक आप अपने वीडियो को स्लो कर सकते हो। लेकिन जो इस ऐप को सारे ऐप से अलग बनाता है कि इसमें आपको प्रीसेट देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारे स्पीड कंट्रोल के प्रीसेट देखने को मिल जाएगा। अगर आप उससे संतुष्ट हो जाते हो तो आप अपना तो मतलब वीडियो वहीं से क्रिएट होगी, आप खुश भी हो जाओगे। लेकिन अगर आपको मतलब अपना मैनुअली करना है कि यहाँ स्पीड हो, यहाँ इतना स्पीड हो, यहाँ कम स्पीड हो, ज़्यादा स्पीड हो, तो यहाँ पर बहुत सारे आप सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब स्पीड कंट्रोल के मैनुअली इस प्लस वाले बटन से, फिर वहाँ आप अपने मन मुताबिक कंट्रोल कर सकते हो स्लाइडर से कि आप ज़्यादा स्पीड कम स्पीड इस तरीके से। और जैसे आप पूरा स्पीड कंट्रोल कर लेते हो, ऊपर आपको एक्सपोर्ट का बटन मिल जाएगा, आप उस पर जैसे टाइप करेंगे तो एक तो आपको पापा के चरण मिलेंगे जिससे आप काइनमास्टर के टाइमलाइन पे जा सकते हो, और एक आपको एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन मिलेगा जिससे मतलब सेव करने का ऑप्शन, जिससे आप हाई क्वालिटी में अपने वीडियो को सेव कर सकते हो। तीसरे ऐप की बात करें तो इसका नाम है वीडियो स्टेबलाइजर। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, जैसे कि ये तो जैसे घर में होता है बिजली में स्टेबलाइजर, बिजली को कंट्रोल करता, तो ये आपके मतलब वीडियो में जो जर्क होता है उसको कंट्रोल करता, मतलब उस जर्क को कम करता है, स्टेबल बनाता है। जैसे कि आप जो जानते हो बहुत सारे ऐसे वीडियो होते हैं, अगर आप कैमरा अगर नॉर्मली पहले के स्मार्टफोन है तो उसमें नहीं स्टेबल मिलता है, या फिर नॉर्मली कोई भी यार स्टेबल नहीं है बस वीडियो, तो आप इस ऐप का यूज कर सकते। इस ऐप को जैसे आप ओपन करेंगे तो कोई भी अपना मीडिया सेलेक्ट कीजिए जिसको आपको स्टेबल करना है, जैसे आप टाइप करेंगे और ऊपर से नेक्स्ट करेंगे तो आपका ये एनालाइज होने लगेगा आपका वीडियो, वो आपके वीडियो के लेंथ के हिसाब से ये डिसाइड करेगा कि आपका कितना टाइम लगे। जैसे ही आपका वीडियो पूरा एनालाइज हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आपको प्रीव्यू दिखाता है कि पहले कैसा था और बाद में कैसा हो गया, तो काफी ज्यादा स्टेबल हो जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक बगल में स्लाइडर देखने को मिलता है जिससे कि आप अपने स्टेबिलिटी मतलब वीडियो की आप बढ़ा सकते हो। जिंदगी की तो पता नहीं यार अभी इतना कोरोना फैला, लेकिन हाँ वीडियो की स्टेबिलिटी आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। और जैसे आप बढ़ाते हो ना इसको, जितना बढ़ाओगे एक तो आप जितना भी स्टेबल करोगे तो आपका वीडियो हल्का सा क्रॉप हो जाता, मान के चलो मीडियम में जो पहले डिफॉल्ट था उसमें भी क्रॉप होता, लेकिन जैसे ही आप स्लाइडर और बढ़ाओगे तो थोड़ा थोड़ा और क्रॉप हो जाएगा। लेकिन अगर आप
स्लाइडर को फुल भी कर देते हो तो आपका वीडियो तो काफी स्टेबल हो जाता है, लेकिन अगर क्रॉप के मामले में बात करें तो काफी निग्लेजिबल, मतलब ना के बराबर, जैसा कि आप प्रीव्यू में देख सकते हो या फिर स्क्रीन पे, मतलब पूरा फुल, मतलब पूरा स्लाइडर को फुल करके मैंने ये पूरा स्टेबल किया वीडियो, तो देखो निग्लेजिबल, मतलब अगर आप स्टेबल कर रहे हो तो इतना अगर चला भी जाएगा, क्रॉप भी हो जाएगा तो कोई मायने नहीं रखता है। अगर इस ऐप को और भी स्टेबल तरीके से चलाना चाहते हो तो इसके सेटिंग में जाकर वीडियो एनालिसिस स्पीड को ऑफ कर दीजिए और जीपीयू एक्सेलरेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि ऐप और अच्छे तरीके से वर्क करेगा, मतलब जो भी जैसे स्टेबलाइजेशन यही सारी चीजें और अच्छे से वर्क करें, सही फीचर्स कह दिया। अब फाइनली इस वीडियो के बोनस एप्लीकेशन की बात करें तो उसका नाम है सिंग प्ले। जैसा कि नाम से ही आपको ये पता चल गया होगा कि ये कोई म्यूजिक लवर के लिए, तो हाँ गाइस, अगर आप कैरियोके पे अपना आवाज देते हो, मान चलो आपके पास कैरियोके सॉन्ग है जिसपे वोकल्स नहीं होते तो आप उस पर आवाज देना चाहते हो तो ये काफी मतलब अच्छा साबित होगा। अगर आपके पास नॉर्मल भी म्यूजिक है जिसमें वोकल्स है, आपको अलग करने की जरूरत भी नहीं, इसमें एक फीचर है जिससे कि आप वोकल्स को अलग कर सकते हो, ये अलग बात है कि उतना अच्छा से अलग नहीं होता, लेकिन हाँ बिगनर लेवल पे काफी आपको एक मदद साबित करेगी, मतलब ये कैरियोके पे अपना आवाज देने के लिए। और यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स भी देखने को मिल जाता है, मतलब रिकॉर्डिंग से पहले जैसे टेम्पो पीच ये सारी चीजें ऐड कर सकते हो, और भी रिकॉर्डिंग करने के बाद भी आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं कि अगर आपका डिले हो गया तो आप सिंक करा सकते हो, अच्छे से मैचिंग करा सकते हो, या फिर अगर आप इसको लाइक ऑडियो के रूप में एक्सपोर्ट करते हो या वीडियो के रूप में एक्सपोर्ट करते हो तो यहाँ पर आप अपना एल्बम लगा सकते हो, मतलब कोई फोटो अपना लगा दो। और मेन बात पापा की बात आती है तो यहाँ पर जैसे आप काइन मास्टर को शेयर कराओगे वीडियो के रूप में तो काइन मास्टर में शेयर हो जाएगा आपके फोटो के साथ, और वहां पर काइन मास्टर में जानते हो एक क्लिप ग्राफिक में म्यूजिक का एक क्लिप ग्राफिक मिलता है, उसके साथ साथ कुछ इस तरीके की आप बना सकते हैं म्यूजिक एल्बम, मतलब कुछ भी हो इसको क्या, मतलब जो म्यूजिक लवर है वो काफी अच्छा जानते होंगे, तो आप इस तरीके से कुछ शुरुआत कर सकते हो, काफी कूल लगता है ना। तो ये जो सारे ऐप मैंने बताया वो सारे तो काइन मास्टर के साथ कंपेटेबल था, सारे को आप काइन मास्टर में भेज सकते हो, और सारे ऐप बिल्कुल फ्री है, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में चारों ऐप के, आप सिंपल सा डाउनलोड कीजिए और यूज कीजिए। और मेन बात, अगर आप काइन मास्टर से वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं बिगनर से प्रोफेशनल तक, आप नीचे ही मतलब डिस्क्रिप्शन में जहाँ गए थे ऐप को डाउनलोड करने के लिए वहीं आपको एक लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप वहां से बिगनर से प्रोफेशनल तक काइन मास्टर से वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं। ये भी वीडियो उसी प्लेलिस्ट का एक भाग है और इस प्लेलिस्ट में और भी बहुत सारे वीडियो आने वाले, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।